गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिसइंटीग्रेशन, और डिसइंटीग्रेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ मैश। तो आज हम लोग देखने वाले हैं टेक्सचर्स के थ्रू कैसे डिसइंटीग्रेट करेंगे, और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्टिकल्स के साथ में, और फिर उस पार्टिकल को उसके बाद वाले सेशंस में हम लोग देखेंगे कैसे फ्लूइड कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग ये तीनों प्रोसेस देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं विद टेक्सचरिंग, टेक्सचरिंग के साथ देखेंगे, फिर पार्टिकल्स के साथ में डिसइंटीग्रेशन देखेंगे, और फिर हम लोग लास्ट में फ्लूइड को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो देखेंगे। तो आज हम लोग बेसिकली आज के सेशंस में मैच के साथ में स्टार्ट करेंगे, ओके। और डिसइंटीग्रेट करने के लिए ऑब्जेक्ट को आपको कुछ असेट्स की जरूरत होगी। तो असेट्स के लिए आप लोग जाओगे मेरे चैनल पे, यहाँ पे यूट्यूब पे मेरे चैनल में जा सकते हो, और यहाँ पे कुछ असेट्स लाइब्रेरी है। तो यू कैन सी कि यहाँ पे फ्री डिजिटल असेट्स है, और यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा कुछ एक्स्ट्रा असेट्स, तो आप लोग यहाँ से ले सकते हो। तो आपको बेसिकली दो चीज डाउनलोड करना है, ये जो फर्स्ट वाला है ये जो दिख रहा है फर्स्ट वन, और ये जो लास्ट वाला है, ये दोनों को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके यू हैव टू कन्वर्ट दैट जेपेग सीक्वेंस, और ये मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया है। और जब भी कन्वर्ट कर रहे हो आप लोग जेपेग सीक्वेंस में इस पर्टिकुलर फाइल्स को जो कि माया में सपोर्टेबल हो, तो उसके लिए एक चीज का ध्यान रखना होगा। तो वो क्या चीज का ध्यान रखना हम लोग देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ मेरे स्टूडेंट फोल्डर में, और समथिंग कॉल मैंने यहाँ पे एक ऐसा रेफरेंस करके रखा हुआ है, और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है दोनों फाइल्स को, और मैंने इसे कन्वर्ट भी कर लिया है 001, और यू कैन सी कि इज ऑलरेडी कन्वर्टेड। खाली ध्यान किस चीज का रखना है, यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ आपको। जो फाइल का जो नाम है सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ उसके आगे आपको जो फाइल का जो नेम है, नेम के आगे आपका .00 और फिर ये होना चाहिए 001002 लाइक दैट, दिख रहा है 19001.000001 होना चाहिए इंस्टेड ऑफ अंडरस्कोर। तो ये माया में सपोर्ट कर पाएगा जेपेग सीक्वेंस। आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो, आफ्टर इफेक्ट्स, एडोबी मीडिया एनकोडर, यू कैन यूज एनी सॉफ्टवेयर, यू कैन यूज क्विक टाइम ऑल्सो, क्विक टाइम कन्वर्टर भी आप लोग यूज कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि जो एक्सटेंशन का जो रिक्वायरमेंट है वो एक्सटेंशन आपका जेपेग रख सकते हो, इट कुड बी टिफ, टारगा, एनीथिंग, लेकिन जो ये है नेम एक्सटेंशन है तो .000 होना चाहिए इंस्टेड ऑफ अंडरस्कोर। तो ये चीज का ध्यान में रखना है बस। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे ये मैं रेडीमेड, मेरा ऑलरेडी सब रेडी है, मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया है। तो मैंने इसे कन्वर्ट करने के लिए आफ्टर इफेक्ट्स का यूज किया था, इस सीक्वेंस को मैंने आफ्टर इफेक्ट्स में लिया है, और आफ्टर इफेक्ट्स में मैंने इंस्टेड ऑफ अंडरस्कोर उसे खाली चेंज करके डॉट रखा है, और फिर ब्रैकेट के अंदर मेरा फिर हैश 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 है। तो नोटपैड में मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं, तो जो मैंने स्ट्रिंग यूज किया हुआ है आफ्टर इफेक्ट्स में, तो मेरा जो भी नेम था मैंने नेम रखा हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ अंडरस्कोर, अंडरस्कोर को हटा के मैंने डॉट रखा है, और मैंने ब्रैकेट के अंदर ये जो रेगुलर ब्रैकेट है वो, और फिर ये जो मेरा 00 है उसकी जगह पे मैंने यहाँ पे हैश यूज किया हुआ है, और ब्रैकेट को क्लोज किया हुआ है इस तरह से। तो ये आपका बेसिकली स्ट्रिंग होगा, तो ये स्ट्रिंग यूज करोगे, और तो ये स्ट्रिंग यूज करके आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करके आप इसको बेसिकली कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज नॉट द इश्यू। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप है कन्वर्जन, कन्वर्जन करके आपको इस तरह से फाइल को रेडी करना है। और ये फाइल आप लोग बहुत सारे जगह पे बहुत कुछ चीजों को डिसइंटीग्रेट करने के लिए यूज करने वाले हो, तो मेक श्योर कि आप लोग के पास में ये फाइल अवेलेबल है, ओके। और इसे एक सिस्टमैटिकली फोल्डर में आपको रखना है, दैट इज माय फर्स्ट स्टेप डन। नेक्स्ट, हाउ टू यूज इट। हम लोग जा रहे हैं माया के अंदर, और यहां से हम लोग कोई भी एक मॉडल ले लेंगे, इट कुड बी स्पीयर और एनीथिंग। तो लेट्स स्टार्ट विद मॉडलिंग सेक्शन में ही, डिफॉर्म के अंदर There is something called, no, not under deform. Generate में हम लोग को एक asset ले लेते हैं। अब मैं जा रहा हूँ get brush के अंदर, और यहाँ से modeling sections के अंदर आप लोग कुछ भी ले लो। मैं यहाँ पे weapons है, कुछ additional weapons, तो I can take this weapon. You can take anything like whatever you like. You know, you can take whatever. तो just disintegrate करने के लिए मैं यहाँ पे एक weapon ले रहा हूँ, import कर रहा हूँ इसे, और मैंने इंपोर्ट कर लिया है।
तो ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है मुझे, तो इससे हम लोग थोड़ा करेंगे, थोड़ा सा साइज को रिड्यूस कर लेंगे। मैं कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा इससे हम लोग 0.5 करके चेक कर लेता हैं। यस, स्क्रीन और प्रोपोर्शनेटली ये सही दिख रहा है, और थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं इस तरह से, और एफ प्रेस कर लेता हूँ ताकि ग्रिड के साइज के अप्रोक्स नजदीक में आ जाए। सो वंस इट इज रेडी, आपको क्या करना है, इसका प्रॉपरली यूवी अनरैप करना है। इसका ओरिजिनल यूवी जो भी रहेगा आप उसको एज इट इज रखोगे, इसका और एक डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगा। डुप्लीकेट कॉपी को आप हाइड करके रख सकते हो, जो कि मेरा ओरिजिनल हो सकता है। अगर ये मैं इसको चेक करूं, एक मेरा ओरिजिनल रहेगा और एक मेरा ये रहेगा, डुप्लीकेट कॉपी रहेगा। तो दिस इज द वन, ये मेरा है ओरिजिनल। ओरिजिनल को आपको टच नहीं करना है, आपका जो ओरिजिनल टेक्सचर जो भी रहेगा, और इसको समझ में आने के लिए हम लोग कुछ इसको नाम दे देते हैं ताकि मुझे मालूम पड़े कि ठीक है, दिस इज माय ओरिजिनल वन एंड दिस इज माय कॉपी। तो मैं कॉपी के ऊपर काम करूंगा, कभी भी ओरिजिनल फाइल को अफेक्ट नहीं करेंगे हम लोग। ओके, तो थोड़ा सा इसका हम लोग यूवी चेक कर लेंगे और यूवी एडिटर के अंदर चले जाएंगे हम लोग अभी यहाँ पर। और यूवी में सिस्टमैटिकली काफी अच्छे से अरेंज्ड है ये, आपका जैसा आपका यूवी है वैसे का वैसे ही रखना है आपको, जो आपका ओरिजिनल वन है। यहाँ पे मुझे कैसा चाहिए कि जो मेरा डिसइंटीग्रेट है बेसिकली बेस से स्टार्ट हो और टॉप पे चले जाए, तो मैं इसे जेड एक्सिस में प्रोजेक्ट कर दूंगा। ओके, यूवीज को तो मैं यहाँ पे जैसे प्लानर मैपिंग दे रहा हूँ और जेड एक्सिस में इसे मैं प्रोजेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे मेरा ये रेडी है, और यूवी अगर मैं चेक करूँ इसका यूवी एडिटर के अंदर, तो दिस इज द वन विच इज रेडी नाउ। तो इसे हम लोग यूज कर सकते हैं इस तरह से। ओके, फाइन। और ज्यादा अगर अच्छे से अगर चाहते हो कि प्रोजेक्शन सही हो, तो हाफ पार्ट इसका जो भी है उसको, हाफ पार्ट को आप लोग अलग कर सकते हो, तो वो भी पॉसिबिलिटीज है। हाफ हाफ सिस्टमैटिकली, मतलब दो पार्ट्स हो, फ्रंट और बैक में सिस्टमैटिकली प्रोजेक्ट कर लो, फ्रंट और बैक को अलग से, और दोनों को साइड बाय साइड रख सकते हो। अभी इस एग्जाम्पल के लिए मैं डायरेक्टली ऐसे ही स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो दिस इज माई फर्स्ट स्टेप, और इसकी हिस्ट्री हम लोग डिलीट कर देंगे। एडिट, डिलीट बाय टाइप, हिस्ट्री क्लीन होगा, और मॉडिफाई में जाके फ्रीज कर लो ट्रांसफॉर्मेशन को। तो हम लोग का फर्स्ट स्टेप क्या था, हम लोग ने सिस्टमैटिकली जो हम लोग के टेक्सचर्स थे उसको सिस्टमैटिकली हम लोग ने कन्वर्ट कर लिया है जेपैक सीक्वेंस में। सेकेंड स्टेप हम लोग का है यूवी अनरैपिंग। यूवी अनरैपिंग में हम लोग ने क्या किया, ये ओरिजिनल वन जो मेरा ओरिजिनल जो मेरा टेक्सचर बेस्ड है उसको मैंने एज इट इज रखा हुआ है, और जिस पर्टिकुलर पार्ट को मुझे नेक्स्ट डिसइंटीग्रेट करना है उसे हम लोगों ने सिस्टमैटिकली अलग से एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट लिया है, और इसे भी हम लोगों ने प्लानर मैपिंग दे दिया है ताकि मेरा ये 0 to 1, ताकि मेरा यहाँ से बेस से वो मॉडल धीरे 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 वो ऊपर की तरफ जा सके। नेक्स्ट हम लोग इसमें असाइन करेंगे हम लोगों का शेडर, और कुछ लाइट असाइन कर लेंगे ताकि हम लोग देख सकें क्या चल रहा है। एट द सेम टाइम थोड़ा सा इसको और हैवी कर लेता हूँ, मैश में आके थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं इसको, ताकि वो दिखने में थोड़ा और प्रेजेंटेबल हो जाए। ओके, लाइक दिस, और एंटी अलाइजिंग ऑन कर लेता हूँ ताकि हम लोग को हाई क्वालिटी देखने के लिए मिल जाए यहाँ पर। और बेस के लिए आप लोग बेस रख सकते हैं आपके ऊपर, यहाँ पे मुझे कुछ बेस नहीं रखना है फिलहाल, मैं पे जस्ट ग्रिड भी ऑफ कर दे रहा हूँ। तो दिस इज डन। नेक्स्ट यू हैव टू असाइन सम मटेरियल, और ये सब नहीं चाहिए मुझे हिस्ट्री, जस्ट डिलीट दी हिस्ट्री, डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री, थोड़ा इसको हैवी कर लो, आपका आपका डिफॉर्मेशन काफी अच्छे से हो, जितना हैवी करना कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो डिफॉर्मेशन के लिए टेक्सचर्स के थ्रू हम लोग इस पे असाइन करेंगे एक फेवरेट मटेरियल, और यू कैन टेक अ न्यू मटेरियल, और आपका जो फेवरेट है आर्नोल्ड, जस्ट सर्च फॉर दैट। यहाँ पे मुझे somehow Arnold activated नहीं दिख रहा है, render viewport 2.0 ही है, Arnold activated नहीं है, तो let's search for that। मैं preferences में जा रहा हूँ plugin manager में, और यहाँ पर search करूंगा M2A, और इसे load और auto load कर लोगे, load कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ऑटो लोड भी ऑन कर लोगे। तो यहां से मुझे मेरा आर्नोल्ड रेंडर दिखाई दे रहा है, यस,
और यहाँ पे अगर हम लोग चले तो मेरा आर्नोल्ड एक्टिवेट है, और अगर मैं यहाँ पे न्यू मटेरियल लेने की कोशिश करूँ अभी यहाँ पे न्यू मटेरियल, वी कैन सी आर्नोल्ड इज देयर। और सिंपल आप लोग ने जो आर्नोल्ड ऑलरेडी यूज किया हुआ है, जो डिफॉल्ट आपका ए आई स्टैंडर्ड सर्फेस है, वही लेना है आपको। तो रेडी मेरा ए आई स्टैंडर्ड सर्फेस, और बेसिक मैंने मटेरियल दे दिया है इसे, ठीक है, सिंपल है, और ये मेरा रेडी है। नेक्स्ट आपको अभी क्या करना है कि एक एनवायरमेंट रेडी कर लोगे आर्नोल्ड के अंदर ही, एक एटमॉस्फेयर जनरेट कर लो ताकि हम लोग उसके ऊपर जो हम लोग का टेक्चरिंग है वो देख सकें, और यहाँ पे एक सिंपल SDRI फाइल हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो जस्ट क्विकली गिव एन SDRI फाइल, कंटेंट और 3D रिसोर्सेस SDRI 2, यहाँ पे कुछ सर्च कर लेते हैं, कुछ अच्छा SDRI आपको देखने के लिए मिल जाए, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ से। थोड़ा सॉर्ट है तो कुछ इस तरह का, अगर ऑर्गेनिक हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, प्लस स्काइज है, बट थोड़ा ऊपर और चेक कर लेता हूं मैं। आई थिंक यही सही है, थोड़ा सा ऑर्गेनिक फील आ जाएगा। तो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप कि हम लोगों ने टेक्सचर भी डाल दिया हुआ है इसके अंदर, और मैं अगर 5, 6 अगर 7 करूं तो मेरे को उसका उसके ऊपर पूरा इंपैक्ट देखने के लिए मिल जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट का। तो दिस इज रेडी। नेक्स्ट थोड़ा नाउ वी हैव टू प्ले विद द टेक्सचर। तो कैसे प्ले करेंगे, लेट्स सी दैट। तो मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, और फर्स्ट मुझे प्ले करना है ट्रांसपेरेंसी के साथ में। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए मैं यहाँ पे आ जाऊंगा ज्योमेट्री में, और यहाँ पे ओपेसिटी पे हम लोग एक्टिवेट कर देंगे हम लोग का सिंपल जो टेक्सचर है। यहाँ पे मैं फाइल ले रहा हूँ, और इसके ऑप्शंस बॉक्स में चले जाएंगे यहाँ पे फाइल लेने के लिए, और जो हम लोग का पाथ है वो पाथ याद रखो बस। तो यहाँ पे मेरे जो रेफरेंस फोल्डर है, तो 001, और ये जो असेट है जो कंप्लीट ये जा रहा है, ये वाला नहीं चाहिए हम लोगों को, ये इन बिटवीन है, ये हम लोग को अलग पर्पज के लिए है। जो मेरा 002 है ये लेना है, ये जो सेट है दिख रहा है ये कैसे पूरा कंप्लीट फ्लो जा रहा है, तो ये सेट लेना है आप लोगों को। और इसका जो फर्स्ट फाइल है इसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और ओपन कर रहा हूँ, तो जिस फर्स्ट फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर रहा हूँ, और हम लोग को इसे बोलना है कि यूज इमेज सिक्वेंस। और सिंपल अगर मैं अभी इसे प्ले करूं तो देखने के लिए मिलेगा आपको यहाँ पे कि कुछ चेंजेस हो रहा है इस तरह से। लेकिन मुझे चाहिए कि ये बेसिकली जो साइडवेज आ रहा है मुझे बेसिकली बॉटम से टॉप में जाना है। तो अगर मैं यहाँ पे चले जाऊं मेरे हाइपर शेड के अंदर, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, ये साइड से आ रहा है, मुझे बॉटम से चाहिए तो मुझे इसको नेगेटिव रोटेट करना पड़ेगा। तो मैं प्लेसमेंट में जा रहा हूँ यहाँ पे, तो नेगेटिव 90 कर देता हूँ, नेगेटिव 90 डिग्री। तो यू कैन सी कि वो नीचे आ चुका है, और अगर मैं अभी प्ले करके अगर चेक करूं इसे, तो यू कैन सी कि कैसे वर्क कर रहा है। और रेंडरर में आर्नोल्ड के अंदर अगर मैं प्ले करूं तो दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा आपको ट्रांसपेरेंट सेक्शन इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, तो इसका हम लोग सिस्टमेटिकली बाद में रेंडर निकालेंगे इसका, लेकिन अभी के लिए आप लोग देख सकते हो कि ऑल्दो व्यू पोर्ट पर हम लोगों को नहीं दिख रहा है, बट रेंडर में हम लोग को सिस्टमेटिकली समझ में आ रहा है ये चीज। तो मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, जहां पे ये बेसिकली इस तरह से ये फॉर्म हो रहा है। तो नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग इसमें। इसे मैं कंट्रोल एच कर लेता हूं ताकि मैं बार बार टच नहीं करूं उस पर्टिकुलर फाइल को। नेक्स्ट AI स्टैंडर्ड सर्फेस के अंदर हम लोग का ओपेसिटी हो चुका है, और
यहां पे मैं जा रहा हूं एमिशन में, एमिशन के अंदर जो मुझे ग्लो डालना है तो यहां पे मैं ग्लो का वेट फुल बढ़ा दे रहा हूं, और जो कलर है यहां पे तो कलर हम लोग जो भी कलर चाहिए हम लोग वो एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन पहला मैं ओरिजिनल फाइल जो मेरा सेकंड वन जो था वो हम लोग ऑन कर लेते हैं यहाँ पे। और फाइल सेक्शंस के अंदर ही यू हैव टू गो टू रेफरेंसेस फोल्डर सेशन 21, जस्ट सर्च फॉर द रेफरेंसेस, आर प्रेस कर रहा हूं मैं, रेफरेंसेस के अंदर आ गया हूं 001। और यहां पे आपका ये वाला जो फाइल है इसको अटैच करना है आपको, तो इसमें भी सेम में जाऊंगा 00 पे और ओपन करेंगे, और यहाँ पे भी सिंपल जस्ट मैं से बोलूंगा यूज इमेज सीक्वेंस, और सेम इसे भी मुझे रोटेट करना है तो -90 डिग्री में रोटेट कर ले रहा हूं, तो ये मेरा ग्लो का जो सेक्शन है बेसिकली वो उसको ड्राइव करेगा इस तरह से, सिंपल देख रहा है ये, ऐसे लगेगा कि वो बेसिकली ग्लो ही उसको ड्राइव कर रहा है। थोड़ा मुझे फायरी काइंड ऑफ इफेक्ट देना है यहाँ पे, तो क्या करेंगे फायर काइंड ऑफ इफेक्ट देने के लिए आप लोग थोड़ा सा इसके नीचे आ सकते हैं कलर बैलेंस के अंदर, और यहां से कलर चेंज कर सकते हैं, जो मेरा कलर गेन है अगर मैं इसे रेड कर दूं यहाँ पे तो यू कैन सी कि रेड कलर हो चुका है, बट थोड़ा मुझे मल्टीपल कलर चाहिए इसके अंदर, तो यू कैन यूज रैम ऑल्सो, तो मैं इसमें जा रहा हूं इसके अंदर आप लोग जाके जस्ट सर्च फॉर द रैम, और रैम में यहाँ पे आप मल्टीपल कलर्स आपके यूज कर सकते हो, यहाँ पे मेरा ब्लैक एंड व्हाइट है तो इंस्टेड ऑफ थोड़ा सा एक रेड कलर प्लस यू कैन यूज फायर में, और कौन सा कलर होता है थोड़ा सा ऑरेंजेस कलर, ओके तो मैंने ये दो कलर यूज कर लिया, थोड़ा सा इसको और हैवीली डार्क करना है तो एक और ऐड कर लो, थोड़ा यहाँ पे एक और डार्क शेड ले सकते हो इस तरह से एंड पार्ट में, और अरेंज कर लो इस तरह से थोड़ा सा फायरी लुक के लिए, तो यू कैन सी कि आपका ये रेडी है, और थोड़ा सा और वेरिएशंस है ना, वेरिएशंस कलर्स के अंदर तो यू और वीवीएक्स को थोड़ा ये कर लो ताकि वो आपस में मर्ज हो जाए, दिख रहा है ये सब आपस में मर्ज हो जाएगा सिंपल, और अगर अभी प्ले करके चेक करोगे तो यू कैन सी कि यहाँ पे आपका ये इस तरह से इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ और रखना है, थोड़ा ऑफसेट करना है टाइम को, कर सकते हो, थोड़ा पीछे आ जाता हूं मैं यहाँ पे, थोड़ा सा टाइम को आगे पीछे मूव कर सकते हैं यहाँ पे कि एटलीस्ट 5 फ्रेम मेरा टाइम से आगे रहे, तो बहुत ज्यादा हो गया 5 फ्रेम, 3 फ्रेम, 2 फ्रेम, 1 फ्रेम, 1 फ्रेम चलेगा, थोड़ा सा एक टाइम से 1 फ्रेम आगे रखते हैं इसको, ओके तो यू कैन सी कि अगर मैं इसको स्क्रब करूं टाइमलाइन पे तो आप लोग इजीली देख सकते हो कि बेसिकली वो फायर इसको ड्राइव करेगा इस तरह से, तो सिंपली इसको यूज कर सकते हो, और काफी ऑर्गेनिक फायर देखने के लिए मिल जाएगा आपको यहाँ पर, ओके, और ज्यादा ड्रामेटिक करने के लिए यही सेम चीज को हम लोग बम मैप में भी यूज कर लेंगे, सेम मैप को, तो ज्योमेट्री के अंदर ही आपको बम मैपिंग देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये जो मेरा सेकंड ये है मैं हाइपरशेड के अंदर जा रहा हूं, और यहां पे हम लोग ने 2 टेक्सचर्स यूज किया हुआ है, टेक्सचर 1 और टेक्सचर 2, दिस इज माय फाइल 1 एंड दिस इज फाइल 2, तो जो फाइल 2 जो है मेरा उसको मैं डायरेक्टली यूज कर लेता हूं यहां पे एज अ बम मैप, यहां पे इस पर्टिकुलर फाइल को बम मैपिंग में डाल देता हूं, तो वहां पे आपको एक अच्छा डेप्थ देखने के लिए मिल जाएगा, ओके इस तरह से, और इसे थोड़ा सा हम लोग डेप्थ चेक कर लो कितना चाहिए, 0.2 का डेप्थ रख सकते हो, 0.5, तो ये थोड़ा डेप्थ के साथ में आपको ये दिखाई देगा, और इंस्टेंट अगर आपको चाहिए कि ये पर्टिकुलर फाइल यूज नहीं करना है, आपको वापस से रीइंपोर्ट करना है तो नो इश्यू, क्योंकि इस पर फिर हम लोग सेपरेटली इसको हैंडल कर सकते हो, तो इसको ब्रेक कनेक्शन करके और सेपरेटली इसको यूज कर लो, तो यहां से मैं फाइल ले लूंगा जो मेरा ओरिजिनल फाइल है, और फाइल के अंदर जाके आपको जस्ट फाइल जो है मेरा उसको रिलोड कर लो,
just go to references folder 001 और चेक कर लो कि वही है ना. यस दिस इज द वन. सिलेक्ट करके ओपन कर लो. कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे. यूज इमेज सीक्वेंस ऑन कर रहा हूँ और इसके अंदर हम लोग का जो टेक्सचरिंग सेगमेंट्स है ये सब सही है. इसका बम डैप चेक कर लो और ये हम लोग का भी फाइल फोर रेडी है. तो वी कैन सी कि मेरा ये जो फाइल फोर है रेडी है. तो इसका जो टेक्सचरिंग का जो प्लेसमेंट है इसको भी सेम हम लोग माइनस 90 डिग्री कर देंगे ताकि वो सेम फेस पे आ जाए. और इसे थोड़ा सा मैं नीचे रखना चाहता हूं. तो फ्रेम ऑफसेट माइनस वन माइनस टू. ओके थोड़ा सा नेगेटिव एक्सेस पे लेके जा रहा हूं इसे मैं ताकि पहला मेरा वो ये स्टार्ट हो जो कलर ब्लेंडिंग है फिर इसको ये फॉलो करते हुए जाए. ओके सिंपल. यू कैन सी इस तरह से ये वॉक कर रहा है. और थोड़ा सा इसमें और अपडेट और अपग्रेड करना है फायर को. तो इसके ऑप्शंस में जाके यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सपोजर बढ़ा सकता हूँ इस तरह से. डिफॉल्ट कलर अल्फा गैन अल्फा ऑफसेट तो थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हो इस तरह से. ओके लाइक दैट. ओके तो ये हो चुका है हम लोगों का. इतना सिंपल है ये. और यहाँ पे आपका जो बेस कलर है और दिस इज फाइन. रेंडर में आर्नोल्ड एक्टिवेट कर लेता हूं मैं. बाहर क्लिक कर देता हूं और आपका जो मटेरियल है एआई स्टैंडर्ड सरफेस. और जस्ट फर्स्ट आगे बढ़ने के पहला जस्ट मेक श्योर कि आप लोग इसे सेव कर लो. सेव और सेट प्रोजेक्ट. बाहर ही मैं सेट कर रहा हूं इसको अक्टूबर फोल्डर के अंदर. टुडे इज ट्वेंटी एट. October 2021 A 7. और एक बैकअप भी कर लेते हैं. बी डन. तो इतना हम लोगों का रेडी है. थोड़ा सा और ड्रामेटिक करने के लिए आप लोग और इसे अपग्रेड कर सकते हो. जैसे कि आपको जब भी ध्यान देना होगा जब भी आप लोग कोई प्रीसेट्स यूज कर रहे हो यहाँ पे जैसे कि गोल्ड क्रोम और वॉट एवर आप लोग यूज कर रहे हो. जैसे कि अगर सपोज मैं यहाँ पे क्रोम यूज कर रहा हूँ तो यू कैन सी क्या हो रहा है. तो यू कैन सी कि उसका इम्पैक्ट यहाँ पे. लेकिन एक यहाँ पे एक अलग से एक इम्पैक्ट इसका दिख रहा है एटमोसफियर का. तो वो नहीं दिखना चाहिए. तो उसके लिए हम लोग यहाँ से कुछ चीजों को ऑफ करेंगे या तो उसको भी साथ में एनिमेट कर सकते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे. और इसे मैं स्टॉप कर रहा हूँ. और जो मेरा डोम लाइट है आई डोंट वांट टू सी दैट डोम लाइट आल्सो. तो डोम लाइट को नहीं देखने के लिए हम लोग इसके ऑप्शन में जाके यहां से कैमरा जीरो कर लेते हैं. और यहां से भी मैं इसे शो लाइट्स ऑफ कर देता हूँ ताकि एक्सीडेंटली वी कैन will not touch that particular file. Okay. और चेक करते हैं कि क्या हुआ इसके साथ में. यहाँ पे opacity map connected है. yes connected है. और ठीक है हम लोग आ जाते हैं हम लोगों के hyper shade में. और hyper shade में याद रहेगा आप लोगों को कि हम लोग ने कौन कौन से टेक्सचर्स यूज करो. दिस इज माई फाइल टू जो कि मेरा ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज होना चाहिए. तो यही सेम हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे भी. तो आ जाता है यहाँ पे. तो मेरा फाइल टू जो है डिफॉल्ट है
उसी को हम लोग हर जगह पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे इस तरह से, और मटेरियल सेगमेंट्स में दिस इज माय एयर स्टैंडर्ड सरफेस, और तो हम लोग ने ऑलरेडी एमिशन के साथ में कनेक्ट कर दिया है, और जो भी चीजें मेरा कनेक्टेड है यहाँ पे स्पेकुलर, तो स्पेकुलर से बेसिकली कुछ कनेक्टेड नहीं है, एनिसोट्रॉपी नहीं है, मेटलनेस फुल वन है, उसकी वजह से ये पूरा का पूरा कंप्लीट ये इस तरह से हम लोगों को ये इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। ओके, तो मुझे सब जगह पे नहीं चाहिए मेटलनेस, तो अगर मैं इसे जो मेरा ये एरिया है, जो मेरा टेक्सचर का जो फाइल टू है, अगर मैं इस पर अगर ड्रैग करूं तो जहां पे रिक्वायर्ड है खाली वहां पे ही लेगा वो। ओके, तो यू कैन सी कि जहां पे रिक्वायर्ड है खाली वहां ही लेगा वो, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप था। मैंने मेटलनेस पे ये सेम मेरा जो ट्रांसपेरेंसी मैप है डाल दिया था, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा वो ऑटोमेटिकली मेटल्स को लेते हुए चले जाएगा। सिंपल है, और रेंडर में व्यूपोर्ट 2.0, और यहाँ पे आर्नोल्ड के अंदर आके चेक कर लेते हैं, वर्क कर रहा है सही से। यस, ओके, ट्रांसपेरेंसी प्रॉपरली वर्क कर रही है यहाँ पर। एमिशन का वेट जीरो हो चुका है, एमिशन को हम लोग फुल कर लेते हैं, या मैं 5 टाइम बढ़ा देता हूं उसको। और अगर अभी प्ले करके चेक करें, सिंपल, काफी अच्छे से वो रेडी हो चुका है। अगर आपको ये शेडर हर जगह पे यूज करना है, कहीं पे भी यूज करना है, ये शेडर को अलग से सेव करके रख सकते हो, और इसे जहां पे भी चाहिए आप लोग डायरेक्टली ड्रैग करके यूज कर सकते हो। आपको इसमें क्या करना है कि जस्ट सिंपली ये फाइल को सेव करोगे एज अ शेडर, और इसमें से जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दो, डन, और जो शेडर फाइल करके रखो। जहां भी आपको चाहिए जस्ट खाली उसको इंपोर्ट करके हर एक जगह पे अलग अलग फाइल में इसको यूज कर सकते हो आप लोग। तो ये हो चुका है मेरा नेक्स्ट स्टेप, और भी यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि आपको और भी कोई प्रॉपर्टी के साथ में प्ले करना है, कैन प्ले विद द प्रॉपर्टीज, और थोड़ा इसको और ड्रामेटिक करने के लिए ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूं मैं वापस से, और यहाँ पे इसको आप लोग ऐसा रोटेट कर सकते हो वाई एक्सिस में, ताकि थोड़ा सा उसका वो की सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, और अराउंड 120 फ्रेम पे इसे हम लोग पूरा 360 डिग्री रोटेट कर लेते हैं। सिलेक्टेड, उससे क्या होगा कि ये देखते हैं क्या होगा इससे। आप लोग देख सकते हो जो मेरा रिफ्लेक्शन है आपको वो स्टैटिक नहीं रहेगा, बेसिकली रोटेट होते हुए रहेगा वो भी रिफ्लेक्शन, जो काफी अच्छा लगेगा, काफी अच्छा शाइन है, स्टैटिक नहीं लगेगा देखने पे, कंटिन्यूअसली वो भी रोटेट होगा जब आपका रिफ्लेक्शन है, ठीक है, इस तरह से। यस, तो दिस इज बेसिकली अ पार्ट वन, जहां पे हम लोग ने देखा कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं, और इसको और ज्यादा थोड़ा सा और डीप लेके जाना है और ज्यादा अच्छा दिखना चाहिए, तो इसके लिए इसको हम लोग पहला एक सेव करेंगे, और सेव एस सी कर लेते हैं एक बैकअप, थोड़ा सा इसको और एक्स्ट्रा डिफॉर्म करने के लिए, डिफॉर्मेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहां पे आप लोग एक चीज ऐड करोगे इसके अंदर, यू कैन गो टू डिफॉर्म मॉडलिंग सेक्शंस के अंदर ही, डिफॉर्म में देयर इज समथिंग कॉल्ड टेक्सचर, टेक्सचर्स के ऑप्शंस बॉक्स में जाओगे, यहाँ पे मेक श्योर यूवी ले रहे हो आप लोग, और जस्ट क्रिएट कर लो। यहाँ पे आप लोग टेक्सचर डिफॉर्मेशन दे सकते हो, मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ इसमें, टेक्सचर डिफॉर्म के अंदर चले जाओगे, यहाँ पे टेक्सचर में आपका जो
इसमें आ जाओ आप लोग आपके हाइपरशीट के अंदर, और ये जो फाइल है आपका, ये फाइल आपके टेक्सचर में ड्रैग कर सकते हो, तो इसी को डायरेक्टली यूज कर सकते हो एज अ टेक्सचर डिफॉर्म हो यहाँ पर। और इसका आप लोग चेक कर सकते हो थोड़ा नजदीक लेके, काफी अच्छे से आपको ये टेक्सचर डिफॉर्मेशन दिखाई देगा इस तरह से। ऑफसेट करना, ऑफसेट कर लो, स्ट्रेंथ बढ़ा दिया मैंने थोड़ा इसका, और थोड़ा और ड्रामेटिक हो जाएगा। नेगेटिव स्ट्रेंथ भी कर सकते हो इस तरह से, चेक करो कहां तक चाहिए, कैसा चाहिए, थोड़ा सा इन बिटवीन ऐसा रखता है। पॉइंट वन हल्का सा ऑफसेट ऊपर की तरफ, और जस्ट प्लेन चेक इट आउट। ये बेसिकली आपको एज अ 3D का जो फील है वो सिस्टमैटिकली 3D का वो फील दे देगा ये जो टेक्सचर डिफॉर्मेशन है। और यू कैन सी दिस हियर, वन पॉइंट फाइव, ठीक है। तो कितना स्ट्रेंथ चाहिए चेक कर लिया हम लोग ने इसको, और बेसिकली यूवी ही रखना ताकि यूवी सिस्टमैटिकली ये कर सके। और काम करेंगे हम लोग क्विकली, इसका एक प्ले ब्लास्ट फाइल सेव करेंगे, और इसे हम लोग थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं इस तरह से, ताकि हम लोग का वो जो 3D डिस्प्लेसमेंट है थोड़ा सा समझ में आए कि क्या चल रहा है। ओके, और इसका हम लोग एक प्ले ब्लास्ट लेने के पहला यू हैव टू मेक श्योर डिस्प्ले, आपका हेडसेट डिस्प्ले में ये सब जो चीजें हैं वो ऑफ कर देंगे हम लोग। आपका जो कैमरा नेम है डिस्प्ले, हेडसेट डिस्प्ले एक्सेस व्यू क्यूब, ये सब ऑफ कर लेते हैं। आई थिंक दिस इज फाइन, और जस्ट एक प्ले ब्लास्ट निकाल लेते हैं इसका। हम लोग प्ले ब्लास्ट के लिए मेक श्योर कि आपका यहां पे ये भी आप लोग प्ले ब्लास्ट निकालो, मेक श्योर कि आपका फुल HD होना चाहिए। जस्ट यहां पे हम लोग इसे फुल HD में चेक कर लेते हैं कि हम लोग का ये फुल HD है 1080। ओके, क्लोज कर रहा हूं इस समय, और एक प्ले ब्लास्ट निकाल लेंगे क्विकली। सेव टू फाइल, फाइल जा कहां पे रहा है 20H, दिस इज माय एग्जांपल वन, एग्जांपल वन, और टेक अ प्ले ब्लास्ट। यस, वर्क कर रहा है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। यस, इसे हम लोग सेव कर लेते हैं, और मैंने बोला था कि इसका हम लोग एक शेडर फाइल भी सेव कर लेंगे, तो उसको मैं शेडर करके सेव कर रहा हूं। और यहां पे मैं बाहर जाऊंगा रेफरेंसेस फोल्डर में, और यहां पे मैं शेडर करके इसको सेव कर लेता हूं, और मैं आज का डेट में सेव कर रहा हूं इसको 28 अक्टूबर 2021, ताकि याद रहे आज का दिन का शेडर है। और यहां से ये जब जो मॉड्यूल्स है इसको डिलीट कर दे रहा हूं मैं, यहां पे मेरा ये टेक्सचर डिफॉर्मेशन भी डिलीट हो जाएगा, बट ठीक है चलेगा, टेक्सचर डिफॉर्मेशन में अलग से दे सकता हूं। सेव कर लेते हैं सर, और टेक अ न्यू फाइल, डन। और अभी यहां पे जैसे मैंने बोला था कि हम लोग कोई भी पर्टिकुलर मॉडल के ऊपर इसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे कोई पर्टिकुलर मॉडल अगर इंपोर्ट कर लूं, और इट कुड बी एनीथिंग, आप लोग कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हो यहाँ पे, और यू कैन टेक दिस ऑल्सो आपके जनरेट के अंदर जो आपका गेट ब्रश है यहाँ पे, यू कैन टेक दिस पर्टिकुलर मॉडल्स ऑल्सो यहाँ पे,
पीपल ले सकते हो यहाँ से, और कुछ बेस मैचेस ले सकते हो एनिमल्स के इसके, और सेम उसके ऊपर भी अप्लाई करके ये सेम चीज देख सकते हो। ओके यहां पे मैं ऐसे इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग, और वही सेम सब रूल सब सेम रहेगा रूल्स। यहां पे मैं ऐसे बोल रहा हूं 0.1, ये मेरा कंप्लीटली एक न्यू फाइल है, और ये मेरा हो सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट, एनिमेटेड ऑब्जेक्ट, मेरा एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके ऊपर हम लोग ट्राई करेंगे। और इसका डेफिनेटली यूवीज हम लोग को अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं अभी यहाँ पे मेरा जो शेडर है अगर इसको यहाँ पे अगर इंपोर्ट कर लूँ, तो जो मेरा रेफरेंस फोल्डर है मैं उस रेफरेंस फोल्डर में जा रहा हूँ, और ये मैंने टेक्स्चर अगर इंपोर्ट कर लिया है, ओके, और शो में लाइट्स ऑफ कर दे रहा हूँ, और असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल जो मेरा AI स्टैंडर्ड सरफेस था अगर याद रहेगा तो वही है, मैं इसे ले लेता हूँ AI स्टैंडर्ड सरफेस, और 5, 6, 7, और जस्ट प्लेन चेक इट आउट सी। तो ये UVs के हिसाब से सिस्टमैटिकली आपको अपग्रेड होकर दिखाई देगा। तो उसने सिस्टमैटिकली वो पूरा का पूरा शेडर सब कुछ ले लिया है, सिस्टमैटिकली वो वर्क करेगा। और अगर मैं यहाँ पे चले जाऊं मेरे आर्नोल्ड के अंदर रेंडर करके अगर चेक करें यहाँ पे हम लोग इसे, तो यू कैन सी यहाँ पे ये इस तरह से है, और सिस्टमैटिकली वो पूरा का पूरा बॉडी को फॉर्म करेगा। और आपको प्रॉपरली देखना है इसको, तो मैंने बोला था कि जेड एक्सिस में इसको प्रोजेक्ट कर सकते हो, तो जेड एक्सिस में कर लो, या तो कैमरा बेस्ड करना है, कैमरा बेस्ड कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट मोड में चले जाता हूं, तो ये कैमरे के डायरेक्शंस के हिसाब से हो चुका है, और यू कैन डायरेक्टली सी दिस एंटी अलाइजिंग ऑन। Play blast, check करता है support कर पाता है। मुझे सिस्टमैटिकली उसे आर्नोल्ड रेंडर करना पड़ेगा। ओके नो इश्यू। अगर मैं यहाँ पे 5, 6, 7 हाँ ओके 7 एक्टिवेट कर रहा हूं तो दिख रहा है, तो यहां पे मैं रेगुलर प्ले ब्लास्ट कर सकता हूं मेरा विदाउट आर्नोल्ड। Example 2 को ही मैं रिप्लेस कर दूंगा। ओके 7 तो मेरा बेसिकली लाइट भी एक्टिवेट हो चुका है, तो हम लोग को दिखाई देगा। सिर्फ आपको आपका एक बार ये शेडर जनरेट करना, और फिर लाइफ टाइम इस शेडर को यूज करो आप लोग। कोई भी ऑब्जेक्ट को डिसइंटीग्रेट करो, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है, और असाइन कर लो। Let's try.
अगर ज्यादा ड्रामेटिक लगेगा, अगर कोई एक एनिमेटेड ऑब्जेक्ट है तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। तो आज की डेट में इसे हम लोग सेव कर लेंगे एफएक्स सेक्शन अक्टूबर 28। दिस इज माय डी। ओके, और अगर मैं यहाँ पे न्यू ले लूं, न्यू सीन, जस्ट सेम हम लोग एक एनिमेटेड कैरेक्टर के ऊपर भी इसे ट्राई करने वाले हैं। तो इंपोर्ट कर रहा हूं मैं कुछ एनिमेटेड कैरेक्टर्स, तो जस्ट सर्च फॉर दैट। यहाँ पे कैरेक्टर्स में कुछ एनिमेटेड कैरेक्टर्स सर्च कर लेते हैं। आर्म स्ट्रेचिंग एलम्बिक फाइल है एक, इसी को ले लेते हैं। एलम्बिक सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, आई थिंक कैश में एलम्बिक सपोर्ट नहीं है। तो विंडोज सेटिंग एंड प्रेफरेंसेस में जाना आपको प्लगइन मैनेजर के अंदर, और ये जो एबीसी है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये लोड एंड ऑटो लोड कर लो, ठीक है। और अभी हम लोग इसे इंपोर्ट कर सकते हैं वापस से एलम्बिक फाइल। ओके, तो रेडी है मेरा एलम्बिक फाइल। तो सेम वही रूल है, आपको यहाँ पे एंटी अलाइजिंग ऑन कर लेता हूँ ताकि वी कैन सी अ गुड प्रीव्यू, क्वालिटी प्रीव्यू। और यहाँ से मेरा जो फाइल है यहाँ पे जस्ट इंपोर्ट करना है आपको, सिंपल। मैंने मेरा जो फाइल है इसे इंपोर्ट करना है, और जो मेरा शेडर फाइल है इसे इंपोर्ट कर लोगे। आपको ओरिजिनल जो ये जो मॉडल है इसका आपको एक डुप्लीकेट करके, आपको ओरिजिनल को आपको बचा के रखना है डुप्लीकेट करके, फिर उसके ऊपर आप लोग काम करोगे। यहाँ पे रेफरेंस के अंदर अगर मैं आप शेडर जो हम लोग आज के डेट हम लोग ने जो जनरेट किया था मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया है, और इसके ऊपर अगर मैं असाइन करूँ एग्जिस्टिंग मटेरियल, दिस इज द वन एआई स्टैंडर्ड सर्फेस 28 अक्टूबर का जो डेट हम लोग ने इंपोर्ट किया हुआ है। यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ 5, 6, 7 और देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और लाइट्स ऑफ, और यू कैन सी यहाँ पे अगर मैं प्ले करूं तो धीरे 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 वो फॉर्म हो जाएगा इस तरह से। अगर आपको सिस्टमैटिक फॉर्मेशन चाहिए तो प्रोजेक्शन कर लो इसके ऊपर। तो इसे मैं सिलेक्ट कर लूंगा ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यूवीज में जाकर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि बेसिकली कैमरा बेस्ड कर लो। यहाँ पे जैसा मुझे कैमरा दिख रहा है, कैमरा बेस्ड मैंने प्रोजेक्ट कर दिया इसको, तो कैमरा का जैसा पोजिशनिंग है उसके हिसाब से वो वहां पे वो थ्रो कर लेगा। और थोड़ा सा इसको हम लोग कैमरे को हल्का सा रोटेट कर लेते हैं, और इसका भी क्ले ग्लास निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं सेल्फी कर रहा हूँ और राउंड यहाँ पे, सेट की, सेट की, यहाँ पे थोड़ा सा कैमरे को और ऐसे कर रहा हूँ सेट की, चेक कर लो सही से वर्क कर रहा है। यस, काफी अच्छे से वर्क कर पा रहा है। आपका एंटी अलाइजिंग, आपका एम्बिएंट ऑक्लूजन, मोशन ब्लर सब ऑन करके रख सकते हो। ओके, और नीचे यहाँ पे मैं कोई एक डिस्क दे सकता हूँ मॉडलिंग सेक्शंस के लिए, यहाँ पे एक डिस्क दे दो। Assign new material, Arnold, और इसे भी कोई एक material देके रख सकते हो, normal AI standard surface दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, और काफी अच्छा दिख रहा है I think, और check कर लेते हैं। बट यहाँ पे मुझे वो complete करने के लिए process को, यहाँ पे मेरा वो shader का ये cheat दिखाई देगा, क्योंकि मेरा डायरेक्टली अगर मैं अर्नोल्ड में अगर फाइनल रेंडर करूं तो मुझे यहाँ पे वो नहीं दिखाई देगा पैचेस,
इस तरह से। तो दिस फाइन, तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग आर्नोल्ड में रेंडर करके इसे निकाल लेंगे कंप्लीटली, एक आर्नोल्ड रेंडर करके इसे निकालेंगे और डिस्क की साइज में कम कर लेता हूँ। हम लोग के पास में अभी टाइम है तो मैं अभी क्विकली आर्नोल्ड रेंडर कर लूंगा। रेंडर में व्यूपोर्ट चेंज कर रहा हूँ मैं और डिस्क को यहाँ पे मैं थोड़ा सा और कम कर रहा हूँ 200 सब डिविजन 5 और थोड़ा सा इसको और वेरिएशन देने के लिए रिफॉर्म में यू कैन गिव टेक्सचर और जो टेक्सचर है इसके ऑप्शंस बॉक्स के अंदर थोड़ा ग्राउंड को और अपग्रेड कर लो, अपडेट कर लो। यहाँ पे आप लोग इसे दे सकते हो नॉइस इस तरह से, तो एक वेरिएशन देखने के लिए मिल जाएगा, थोड़ा सा एक ग्राउंड लेवल थोड़ा सा और ऑर्गेनिक देखने के लिए मिल जाएगा आप लोगों को। ओके, और यहां से इसका जो एम्पलीट्यूड है दिख रहा है, यहां से इसको पूरा चेंज कर सकते हो, उसका रेशियो और ये सब पूरा चेंज कर सकते हो। थ्रेशोल्ड अगर मैं इसको बढ़ा दूं और कम कर दूं, थोड़ा सा ऑर्गेनिक देखने के लिए मिल रहा है, दैट इज फाइन। फ्रिक्वेंसी इतना ठीक है, इंक्लूड एक जगह पे नहीं करना है, दैट इज फाइन। साइज में अगर वेरिएशन चाहिए है ठीक है, थोड़ा सा मुझे इसका स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा टेक्सचर का 5, 4, 3 सो दिस इज फाइन। तो इसको हम लोग एक क्विकली रेंडर करेंगे डी, और इसे मैं सेव कर रहा हूं एज अ ई फाइल में ताकि हम लोग एक कंप्लीट आउटपुट देख सकें। फिर इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे जहां पे हम लोग का डिसइंटीग्रेशन हो और फ्लूइड को हम लोग सेपरेटली रेंडर करेंगे, पार्टिकल्स को सेपरेटली रेंडर करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कैसे इसको बेसिकली कॉम्पिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग अभी जस्ट ऐसे क्विकली रेंडरिंग के लिए लगा रहा हूँ, मैं सेव कर ले रहा हूँ और सब कुछ सेम है, जस्ट खाली जो मेरा ये है कैमरा यहाँ पे मैं इसे जो मेरा सैंपल्स है सैंपल्स में थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहा हूँ, डबल कर दे रहा हूँ ताकि रेंडर अच्छे से हो और आपका जो एक्सपोजर है वो भी चेक कर लेंगे हम लोग। तो आर्नोल्ड के अंदर आके यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इसे और एक्सपोजर की जरूरत है 1 इज टू मच, 0 इज फाइन, 0 इज फाइन। बेस में टाइम लग रहा है कैलकुलेशन में, स्पेक्युलर दिस इज फाइन, वॉल्यूम कुछ है नहीं हम लोगों का, अभी आपका टाइम लग रहा है अराउंड 19 सेकेंड 960 पे। इतना सैंपल नहीं चलेगा मुझे, सेम 19 सेकेंड ही है, सैंपल्स बढ़ाने के कम करने से कुछ फर्क नहीं पड़ा इतना। तो इसका जो रेडियस है उस रेडियस के ऊपर ही हम लोग थोड़ा सा प्ले कर लेते हैं, थोड़ा सा किसी को टाइम लग रहा है 100 छोटा रखते हैं यहाँ पे फिलहाल। और एक चीज का ध्यान रखना है कि हम लोगों को ये डिसअपीयर होना चाहिए एंड में, स्टैटिक नहीं दिखना चाहिए, जब भी आप लोग ग्राउंड यूज करते हैं स्टैटिक नहीं दिखना चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे,
इसके एट्रीब्यूट में जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर। जो मेरा ओपेसिटी है, ओपेसिटी के अंदर ही चले जा रहा हूं मैं, और यहाँ पे रैंप यूज कर सकते हो इस तरह से, ब्लैक एंड व्हाइट रैंप ले लोगे और चेक कर लो यू रैंप और रेडियल रैंप कौन सा आपको सही जा रहा है। ओके, यूवी रैंप, सर्कुलर रैंप विल डू। ओके, सर्कुलर रैंप सही है। और इसको मैं रिवर्स कर दूंगा, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे। तो बेसिकली एंड पॉइंट मेरा नहीं दिखना चाहिए, वो एजेस सॉफ्ट हो जाना चाहिए इस तरह से। तो अगर मैं अभी यहाँ पे चेक करूं मेरा रेंडर में आर्नोल्ड में, तो वो गायब हो चुका है। वो सॉफ्ट एजेस दिखना चाहिए इस तरह से जब भी आप लोग रेंडर कर रहे हो। अभी टाइमिंग देख लेते हैं क्या टाइमिंग हो रहा है। जितना ज्यादा दूर है उतना ज्यादा टाइमिंग फास्ट होगा मेरा, 4 सेकंड में ही हो जा रहा है। ठीक है, तो चेक इट आउट। पहले पार्टिकल्स के साथ में और फिर उसके बाद हम लोग फ्लूइड के साथ में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग पार्टिकल्स के साथ में देखने वाले हैं कैसे डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैं हम लोग का जो फाइल है आज का जो 29th का ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो मेरा शेडर है उसको कनेक्ट कर लिया हुआ है, और यू कैन सी कि ऑलरेडी ये टेक्सचर से कनेक्टेड है, और इसका जो डिटेल ट्यूटोरियल है आपको ये आज मिल जाएगा कैसे किया हुआ। हम लोग ने लास्ट सेशन में जो किया था वही जो शेडर को मैंने इससे कनेक्ट कर दिया हुआ है। तो देख सकते हो इसको, और लास्ट का जो की फ्रेम है इसको मैं कट कर देता हूं। और इसका एक बैकअप कॉपी ले लेंगे हम लोग, बी सी, और डिस्प्ले हेडसेट डिस्प्ले, यहां से व्यू एक्सेस ऑफ कर देता हूं। फाइन, और यहां पे हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे पार्टिकल्स का कनेक्ट करना। पार्टिकल्स कनेक्ट करने के लिए यहां पे मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूं, और क्विकली यहां पे हम लोग जाएंगे एफएक्स सेक्शंस के अंदर। आपको जाना है एफएक्स के अंदर, यू हैव टू गो टू एन पार्टिकल्स, एन पार्टिकल्स में एमिट फॉर्म ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। सरफेस सब कुछ सेम रहेगा, स्केलेड बाय ऑब्जेक्ट साइज एवरीथिंग विल बी सेम, स्पीड भी सही है, सब कुछ सेम रख रहा हूं मैं। और स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट मैं 20 से स्टार्ट करूंगा, और फिर धीरे धीरे हम लोग उसको बढ़ाएंगे, क्रिएट कर रहा हूं। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे अगर मैं अभी प्ले करूं, और मैं जा रहा हूँ पैनल परस्पेक्टिव एक न्यू ले लेता हूं मैं, तो वी कैन सी कि क्या चल रहा है। और अगर प्ले करके चेक करेंगे अभी हम लोग यहाँ पे, तो वो पूरे बॉडी से पार्टिकल्स निकल रहा है, प्लस यहाँ पे न्यूक्लियस की वजह से वो कंटिन्यू उसका नीचे वो गिर रहा है, दैट इज फाइन। जो बेस है बेस को सिलेक्ट करके आप लोग बोल सकते हो कि पैसिव कोलाइडर, ताकि वो उसके ऊपर कोलाइड हो जाए। और जो सेम जो टेक्सचर प्रॉपर्टीज जो नोड हम लोग ने कन्वर्ट किया था, वो अभी जस्ट हम लोग को इसे पार्टिकल से कनेक्ट करना है, ताकि ये सेम इसके साथ में वो फ्लो हो। तो अगर हम लोग हाइपर शेड में जाएंगे, तो हाइपर शेड में आप लोग देख सकते हो कि हम लोग का जो टेक्सचर जो हम लोग ने किया था लास्ट टाइम पे, तो यहाँ पे वो टेक्सचर्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर मैं इसे थोड़ा सा अगर ऊपर करूं यहाँ पे इस तरह से आगे करूं, टाइमलाइन में बीच में लेके आ जाता है इसको, तो यू कैन सी कि दिस इज द वन जो मैंने फायर से कनेक्ट किया हुआ है, जो मैंने ट्रांसपेरेंसी कनेक्ट किया हुआ है, जो मैंने मेटल लेंस से कनेक्ट किया हुआ है, ये है। और तो ये हम लोग को बेसिकली यूज करना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे यूज करेंगे इसे,
एमिटर के अंदर इसके एट्रीब्यूट्स में चले जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाओगे, यहाँ पे आपको इनेबल टेक्सचर रेट एक्टिवेट करना है और जस्ट सिंपली इसे मैं ड्रैग करके यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ और मेरा जो पार्टिकल्स है एग्जैक्टली वही सेम पोजीशन जहां पे मेरा टेक्सचर एनिमेट हो रहा है वही सेम पोजीशन पे उसका एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हो आप लोग, थोड़ा अगर नजदीक करूं तो यू कैन सी बेटर एग्जैक्टली उसी पोजीशन से वो मूव होना शुरू हो चुका है। एकदम सिंपली वो वॉक कर रहा है और अभी थोड़ा सा हम लोग पार्टिकल्स के अंदर चेंजेस कर लेते हैं। तो मैं पार्टिकल्स को सिलेक्ट कर रहा हूं और यहां पे हम लोग आ जाएंगे शेडिंग के अंदर। तो इंस्टेड ऑफ पॉइंट्स यू कैन यूज क्लाउड आल्सो, तो जस्ट सर्च फॉर द क्लाउड। तो मैंने क्लाउड्स ले लिया है और यहाँ पे आप लोग कलर्स चूज कर सकते हो क्लाउड्स के लिए। तो मल्टी कलर्स के लिए भी जा सकते हैं व्हाटएवर सॉरी। थोड़ा सा मैं फायरी लेके यहां पे रख रहा हूं इसको रेड ऑरेंजेस और पहला ऑरेंज रखते हैं फिर रेड रखते हैं फिर थोड़ा डार्क रेड कर देते हैं यहाँ पे ऐसे। इस तरह से और यहाँ पे भी इसको हम लोग बोल सकते हैं पार्टिकल आईडी के हिसाब से वो चेंज होना चाहिए। कलर में रेंडमाइजेशन एक्टिवेट कर सकते हो और चेक करने के लिए यहाँ पे मैं 5-6 प्रेस कर सकता हूँ। तो यू कैन सी 7 से मेरा शेडिंग भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको का जो टेक्सचरिंग का जो पार्ट है वो इजीली देख सकते हो कैसे वर्क कर रहा है और जब ये फॉर्म हो रहा है थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे टर्बुलेंस एक्टिवेट कर देंगे पार्टिकल्स के अंदर ही। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ हमें थोड़ा सा हम लोग टर्बुलेंस एक्टिवेट कर देंगे, एकदम हैवी नहीं चाहिए, थोड़ा सा रखेंगे इसको जस्ट 5 का। तो देख सकते हैं कैसा काम कर रहा है ये, थोड़ा सा जो फॉर्म हो रहा है तो थोड़ा वेरिएशन के साथ में फॉर्म हो बेसिकली। और बाय डिफॉल्ट वो आपका नीचे ही गिरना चाहिए। ओके सिंपल है और हम लोग वन सेकेंड हम लोग पार्टिकल्स में आ जाते हैं। पार्टिकल्स के अंदर यहां पे पार्टिकल साइज में आ जाओगे, पार्टिकल साइज को थोड़ा सा और ये कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा प्ले कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम लोग एंड एंड जो पॉइंट है यहाँ पे ऐसा एंड कर देंगे और यहाँ पे भी मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू एज ऐसे टाइम जाएगा वो पार्टिकल छोटा होते जाना चाहिए टाइम के साथ में। तो जब नीचे गिरा तो छोटा हो जाएगा और दिस इज फाइन और ओपेसिटी यहाँ पे मैं एज इट इज ही रखूंगा इसको। यहाँ पे इनपुट मैक्स के साथ में प्ले कर सकते हो कलर में थोड़ा सा रेंडमाइजेशन ऐड कर लिया मैंने इन कंडेंसर सेम एक्स्ट्रा कलर ऐड करने के लिए पार्टिकल्स में सेम वेरिएशंस लेके आ जाता हूँ मैं। तो अगर मैं यहाँ पे भी 6-7 प्रेस करूं बेसिकली हम लोगों को वो एक्स्ट्रा वेरिएशंस के साथ में मिल जाएगा और यहाँ पे कॉन्स्टेंट की जगह पे यहाँ पे सेम मैं पार्टिकल आईडी और रेंडमाइज्ड आईडी और अकॉर्डिंग टू एज
वो सब एक्टिवेट कर सकता हूँ, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा ग्लो देखने के लिए मिल जाएगा, थोड़ा और वेरिएशन दे सकता हूँ यहाँ पर इस तरह से, और डन। थोड़ा सा पार्टिकल और स्प्रेड होना चाहिए, इसके लिए थोड़ा टर्बुलेंस को हम लोग और स्प्रेड आउट करेंगे 5 की जगह पर मैं, और थोड़ा सा हम लोग इसमें चाहिए तो और कुछ एडिशनल फील्ड एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट कर लो थोड़ा सा, अगर उसमें वॉर्टेक्स भी ऐड करना है, थोड़ा सा घूमना चाहिए, मैंने वॉर्टेक्स ऐड कर लिया है। और अगर मैं यहाँ पे 4-5 प्रेस करूँ, ओके, और अगर प्ले करके चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, और पार्टिकल शुड डाई इमीडिएटली जब भी गिर रहा है वो, तो पार्टिकल का जो लाइफ स्पैन है यहाँ पर, पार्टिकल के लाइफ स्पैन के साथ में हम लोग प्ले करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, पार्टिकल का जो लाइफ स्पैन है यहाँ पे हम लोग बोल देंगे ऐसे रैंडम रेंज 1 और 0.5 का वेरिएशन दे देते हैं, ओके, लेट्स प्ले एंड चेक इट आउट। पहला बेसिक देखोगे, उसके बाद में वंस इट यू आर सेटिस्फाइड विद दैट कि हाँ सही जा रहा है, और यहाँ पे अगर मैं इसे 6 प्रेस करूँ तो यू कैन सी कि क्या चल रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे उसको जगह पे ही थोड़ा सा रुका के रखना है पार्टिकल्स को, ज्यादा स्प्रेड नहीं होना चाहिए अपनी जगह से, तो मैंने पार्टिकल्स को सिलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे मैं इसे ड्रैग फील्ड भी देखे रखता हूँ तो ज्यादा उसको इफेक्ट नहीं करे वो, मैं यहाँ पे इसे 0.2 का दे देते हैं, नाउ प्लेन चेक इट आउट, ज्यादा वो अपनी जगह से स्प्रेड नहीं हो पार्टिकल्स, बेसिकली उसको सब जगह से वो पकड़ के रखें पार्टिकल्स जगह से उसको, ज्यादा स्प्रेड नहीं होना चाहिए। यस, अभी इसे हम लोग डेंस कर सकते हैं, तो डेंस करने के लिए क्या करेंगे, एमिटर के अंदर आपको आना है, एमिटर के अंदर यहाँ पे जो रेट है पार्टिकल्स का यहाँ पे यू कैन सी 100 और 200 करके मैं डेंस कर दे रहा हूं इसे, सेव इट, एक बैकअप ले लोगे इसका दी, और यहाँ पे इसको हम लोग पार्टिकल्स को सिलेक्ट करके क्विकली पार्टिकल्स का हम लोग कैशिंग कर लेंगे, तो एन कैश के अंदर आके न्यू कैश यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट, यहाँ से आप लोग पार्टिकल्स का कैश कर सकते हो, मेक श्योर 1 फाइल होना चाहिए, और ये फाइल कहाँ पे जा रहा है, आज की डेट में जाना चाहिए 29 में, एन पार्टिकल शेप 1 टाइम स्लाइडर पूरा कंप्लीट एक इसका ये ले लो, आगे जाने के पहले पार्टिकल्स को क्या करना है, पहले पार्टिकल्स को एक कैशिंग रेडी कर लोगे इस तरह से, और अगर मैं अभी यहाँ पे 7 प्रेस करूं, और अगर जो 6 प्रेस करके भी देख सकते हो, प्लेन चेक इट आउट,
बेसिकली कैशिंग रेडी है। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप है और यहां पे मैं काम करूंगा मेरा 5, 6, 7। मैंने 7 प्रेस कर लिया है। ओके, और क्विकली हम लोग इसका एक प्ले ब्लास्ट करके चेक करेंगे। मैं स्विच हो रहा हूँ पैनल पर्सपेक्टिव वन में और क्विकली इसका एक प्ले ब्लास्ट रेडी करेंगे। सिंपल है। और एक एग्जांपल टू में मैं क्या कर रहा हूँ, पैनल पर्सपेक्टिव वन यहाँ पे एज स्टैटिक पोज में भी हम लोग इसका एक क्ले ब्लास्ट करेंगे। दैट विल बी माय एग्जांपल टू। सिंपल। अभी एक और एक मैजिक देखते हैं। यहां पे मैं इसे बीच में लेके आता हूं पार्टिकल्स, और सिर्फ मैं पार्टिकल्स का जो रेडियस है वो इंप्रूवाइज कर रहा हूं। बस सिर्फ इस रेडियस को मैं बढ़ा के 1 कर दे रहा हूं।
और हम लोग ने ऑलरेडी कैशिंग किया हुआ है, तो और जो रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी में मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, तो बेस हम लोगों का जो रिजिड बॉडी का बेस है उसको डिलीट कर रहा हूँ, और बस पार्टिकल्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे मेरा रेडियस अच्छा खासा रेडियस है, एंड कैश डिलीट कैश, तो यू कैन सी ज्यादा है 1.5, जो पार्टिकल्स बेसिकली ग्राउंड से फ्लो के ऊपर हैवीली ट्रैवल कर रहे थे अभी वो ट्रैवल नहीं करेंगे, तो आप लोग डायरेक्टली वो फायर इफेक्ट देख सकते हो यहाँ पे। लास्ट में थोड़ा सा ओपेसिटी चाहिए, नॉर्मलाइज एज रख सकता हूं, see, take a backup. और पार्टिकल्स का आप लोग को चाहिए तो आप लोग ये एंड कैश न्यू कैश शिप ऑन वापस से क्रिएट कर, मैंने पहले का डिलीट कर दिया था, इसका एक क्लेब्लास रेडी कर लेंगे। दिस विल बी माय एग्जांपल नंबर 3 क्लेब्लास, कुछ सिलेक्ट नहीं होना चाहिए,
This is fine. मैं अभी यहाँ पे इसका एक बैकअप ले लेता हूँ. Delete cache. सिंपल मैंने पॉइंट से कनेक्ट कर दिया इसे. और यहाँ पे ये जो मेरा पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल को भी आप लोग एक कैश लेके रेडी कर लो. जस्ट नॉर्मल जो मेरा पॉइंट पार्टिकल्स है, इसको भी और भी कुछ वेरिएशन इफेक्ट देना है और कुछ डेंस करना है. डेंशन 0.25 चेक कर लो. Nucleus. नेक्स्ट एमिटर का रेट थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देते हैं 500 और पार्टिकल्स का जो रेट है उसको मैं और कम कर रहा हूँ 0.3 और वेरिएशंस में मैं 0.2 रख रहा हूँ और जस्ट वापस से मैं पार्टिकल्स का कैश रेडी कर ले रहा हूँ. एंड कैश क्रिएट न्यू कैश एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट डन. एक क्विकली हम लोग इसका भी एक प्ले ब्लास्ट ले लेंगे चेक करने के लिए कि क्या चल रहा है, कैसे लग रहा है. दिस विल बी माय एग्जांपल इन द फॉर्म प्ले ब्लास्ट. आप लोग को जैसा भी वैरायटी का पार्टिकल्स और पार्टिकल का प्ले करना है
आपके ऊपर है, थोड़ा सा मैं कैमरे को पीछे लूंगा। प्ले ब्लास्ट। कैमरा फिक्स है क्या इसका? Okay. So done. So once you are done with the particles, अपने सारे changes कर लिया, once you are done, you are satisfied with the particles. Next, हम लोग switch कर सकते हैं fluids में, और इसमें basically दो methods हैं। आप लोग simply जो आपका particle system है, particle system को आप लोग directly fluid से connect कर सकते हो, या independently, और या independently आप लोग directly जो हम लोग का टेक्सचर है सीधा टेक्सचर्स पे कनेक्ट कर सकते हो फ्लूइड पे। तो हम लोग दोनों मेथड देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद पार्टिकल मेथड। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यू स्टेप्स से। तो हम लोग का जो नेक्स्ट स्टेप है फोर्थ स्टेप, तो लेट्स स्टार्ट विद द फ्लूइड। इसे सेव करके हम लोग एक बैकअप करेंगे। और यहां पे जो मेरा जैसे एक फ्लूइड कंटेनर है, हम लोग जस्ट फ्लूइड कंटेनर ले लेंगे। तो 3D कंटेनर में यहाँ पे ले रहा हूँ हम लोग का फ्लूइड कंटेनर। और यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, आपका एमिटर कुछ ऑन नहीं करना है। बाय डिफॉल्ट अगर आप लोग इसे रिसेट करते तो एमिटर आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता। तो यहाँ पे आपको जस्ट खाली एमिटर आपका ऑफ कर लेना है। जो भी डिफॉल्ट कंटेनर है जस्ट टेक दैट, जो भी है जैसे अप्लायंस क्लोज। आपका एक ब्लैंक कंटेनर जिसमें कुछ नहीं है आ चुका है, और आपको आपका जो पार्टिकल सिस्टम है वो सिलेक्ट करना है, और जो फ्लूइड है फ्लूइड वन आपको वो सिलेक्ट कर लेना है, और दोनों को खाली कनेक्ट कर देना है। तो कनेक्ट करने के लिए सिंपली आपको जाना है फ्लूइड में, और यहाँ पे इसको बोल सकते हो कि एमिट फॉर्म ऑब्जेक्ट। और जो भी डिफॉल्ट है इसका जैसे रिसेट जो भी है सब सही है, जैसे क्रिएट एंड डन। तो डन विद द थिंग, तो आपको डायरेक्टली वो कनेक्ट हो चुका है। अभी हम लोग आ जाएंगे फ्लूइड के अंदर। फ्लूइड के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग रेजोल्यूशन इंक्रीज कर लेते हैं, 25 कर लेते हैं। हम लोग को अराउंड यहाँ पे 200-300 तक जाना है, डिपेंड ऑन योर सिस्टम उतना आपको अच्छा आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे हम लोग 25 से स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाओगे डायनामिक सिमुलेशंस में और डिस्प्ले के अंदर, और दिस इज ऑल फाइन। यहाँ पे डायनामिक सिमुलेशंस में यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा इसमें आपका विस्कोसिटी फ्रिक्शंस थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, 0.2 फ्रिक्शंस, थोड़ा सा फ्रिक्शन दे देते हैं, थोड़ा सा डंपिंग 0.1 का थोड़ा डंपिंग ऐड कर सकते हो। सॉल्वर क्वालिटी यहाँ पे आप इंप्रोवाइज कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे अराउंड 200-300 तक जाना चाहिए, पर यहाँ पे मैं अराउंड इससे कुछ 100 फ्रेम्स तक लेके चले जाता हूँ एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए सॉल्वर क्वालिटीज पे। और थोड़ा सा अगर नीचे आ जाएंगे हम लोग अभी यहाँ पे कंडेंस डिटेल, तो डेंसिटी के अंदर आ जाएंगे। तो डेंसिटी स्केल है मेरा पार्ट, जो मेरा ये एरियाज है, अगर मैं यहाँ पे प्ले करके अगर चेक करूं तो ये जो मेरा स्मोक का जो ये एरिया दैट इज माय बेसिकली डेंसिटी। और इसके अंदर जो बेसिकली फ्लूइड कंटिन्यू ऊपर जा रहा है तो उसको भी अगर कंट्रोल करना है, देखते हैं अगर ये कंटिन्यू अगर ये मेरा ऊपर जा रहा है, देखते हैं यहाँ पे ये एंड हो चुका है, और मुझे मेरे कैरेक्टर तक उसको सिस्टमैटिकली अफेक्ट और इनलार्ज करना है। तो उसके लिए थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, और ज्यादा थोड़ा सा नीचे आ जाओ, और
चेक कर लो, यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो रीसाइज का, जिस इसको ऑन कर लो ऑटो रीसाइज, तो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से रीसाइज हो जाएगा और थोड़ा रिजोल्यूशन हम लोग बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा मैं इसको और D50 तक लेके चले जाता हूँ, और थोड़ा सा जो मार्जिन एकदम कट टू कट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हम लोग इसको बढ़ा लेते हैं, 4-5 कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा तो अच्छा रहेगा। और अगर मैं अभी इसे प्ले करूं तो वो कंटिन्यू अभी वो ऊपर जाते रहेगा, बेसिकली मैंने पार्टिकल्स के सिस्टम के साथ में इसको कनेक्ट कर लिया है। तो लेकिन ये मेरे को जो मेरा पार्टिकल्स जो कंटिन्यू फॉर्म हो रहा है प्लस ऊपर जा रहा है, दैट इज नॉट लुकिंग गुड। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे एक एट्रीब्यूट था, यहाँ पे हम लोग जस्ट जीरो कर दे रहे हैं, मैं यहाँ पे इसको मैं खत्म कर दे रहा हूँ, जीरो कर दे रहा हूँ। और डेंसिटी चेक कर लो क्योंकि आपको डेंसिटी कितना बढ़ाना है कम करना है, प्लस डेंसिटी हम लोग यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, जो मेरा फ्लूइड एमिटर है यहाँ पे भी है डेंसिटी, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे जो मेरा फ्लूइड ड्रॉप ऑफ है इसको भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं, मैं इसको 0.5 कर लेता हूँ, सॉफ्ट रहेगा। और अगर मैं अभी प्ले करूँ इसे तो पूरा एक अलग आउटपुट देखने के लिए मिल जाएगा, सिर्फ मैंने 2 एट्रीब्यूट चेंज किया हुआ है मेरा, बेसिकली वहां पे वो स्टेबल हो चुका रहेगा, ऐसे स्प्रेड नहीं होगा, बेसिकली जहां पे भी मेरे पार्टिकल्स जा रहे हैं वहां पे वो स्टैटिक हो चुका है, एनिमेट नहीं होगा, बेसिकली वो स्टैटिक हो चुका है और मेरा ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली उससे फिल्ड होना शुरू हो चुका है, सिंपल परफेक्टली उसने वो शेप ले लिया है। और फ्लूइड शेप 1 के अंदर थोड़ा सा हम लोग वेलोसिटी थोड़ा सा स्वॉल, ताकि एनिमेशन हो बेसिकली, थोड़ा सा स्वॉल, थोड़ा सा नॉइस, थोड़ा सा टर्बुलेंस, बहुत ज्यादा हो गया है ये, बहुत ज्यादा है, 5 और 3 टू मच, हम लोग बाद में कम करेंगे, मैं भी थोड़ा एडिशनल देके रख रहा हूँ ताकि आप लोग को देखने के लिए मिले, इट इज बेसिकली टू मच बट यू कैन सी द इफेक्ट। तो काफी अच्छा एक ऑर्गेनिक आपको यहाँ पे ये स्प्रेड देखने के लिए मिल जाएगा इस काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, राइट? ओके, तो अभी यहां पे अगर थोड़ा हम लोग अगर नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग जस्ट लाइटिंग में आपसे सेल शैडो ऑन कर रहा हूँ, तो आपको एक अच्छा डेप्थ देखने के लिए मिल जाएगा, इसको आप काफी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पे लाइटिंग और ये सब आप काफी ऐड कर सकते हो, बट एक अच्छा डेप्थ देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर? अभी मुझे बेसिकली ये जो शेडिंग है उससे मैच करना है, तो शेडिंग में आ जाएंगे हम लोग, और ये जो कलर्स जो हम लोग ने स्कीम्स लिए थे वही जस्ट सेम स्कीम्स मैं यहाँ पे भी एक्टिवेट कर ले रहा हूँ, मेरा ऑरेंजेस कलर थोड़ा सा रेड टोनिंग और डार्क रेड, और यहाँ पे भी इसे मैं बोल दूंगा अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, यहाँ पे भी जैसे भी डेंसिटी रहेगी अकॉर्डिंगली वो वैसे वो एडजस्ट कर लेगा, यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हो कितना कैसे चाहिए, यहाँ पे मैं डेंसिटी वाइज से एडजस्ट कर ले रहा हूँ, यहाँ पे यू कैन प्ले विद द थिंग, यहाँ से ज्यादा इसका ये जो है टेम्परेचर इसको भी आप लोग बोल दोगे डेंसिटी, परफेक्टली वो फायर इफेक्ट आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे भी आप ये चेक कर सकते हो कितना चाहिए कैसे चाहिए डेप्थ वाइज, ओके से और री एडजस्ट कर सकते हो डेंसिटी को आपको, और इसे आप एनिमेट कर सकते हो इस तरह से, सेम यहाँ पे भी इसे हम लोग एनिमेट कर सकते हैं, इस तरह से वो एंड हो जाएगा इस तरह से इसका।
सेम थोड़ा नीचे आ जाओगे ओपेसिटी, ओपेसिटी डेंसिटी सही है यहाँ पे भी, इसके साथ में आप लोग ऐसा प्ले करके देख सकते हो इसको, दिख रहा है प्लस इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा एंड करना है इस तरह से डेंसिटी या ऐसे, तो यहाँ पे एंड कर दिया ऐसे मैंने, और थोड़ा सा उसके और वेरिएशन और थोड़ा मजा लेना है इसका टेक्सचर में आके, ये सब आप एक्टिवेट कर दोगे, आपका टेक्सचर कलर, आपका इंटरनांसिस प्लस टेक्सचर ओपेसिटी, तो बीच बीच में नॉइज आ जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा। और यहाँ पे जो टेक्सचर का इंटरनांसिस है, दिख रहा है इंटरनांसिस टेक्सचर का, इसको मैं 20 कर देता हूँ, बहुत ज्यादा आपका क्लियरली फायर लुक को देखने के लिए मिल जाएगा ऐसा। फाइव ओपेसिटी चेक कर लो आपको कितना गेन करना है, ओपेसिटी भी एक्टिवेट कर लिया है, टेक्सचर का कलर पावर में आ चुका है, फिर अगर मैं 25 कर दूं तो टेक्सचर का कलर पावरफुल हो जाएगा, जो हम लोगों ने टेक्सचर का कलर दिया है वो, और थ्रेशोल्ड के साथ में आप चेक कर सकते हो कितना उसको और हैवी करना है, और रेशियो से अपना प्ले कर सकते हो, कंटिन्यू एनिमेशन देते रहने के लिए आप लोग यहाँ पे टेक्सचर टाइम के साथ में प्ले कर सकते हो, यहाँ पे इन्फ्लेक्शन ऑन कर सकते हो तो थोड़ा इसको और एक वेरिएशन देखने के लिए मिल जाएगा, बट यहाँ पे डायरेक्टली टेक्सचर टाइम के साथ में दिख रहा है ऐसा वेरिएशन होते रहेगा, तो दैट इज वेरी गुड। इसे एक्टिवेट करने के लिए आप लोग इसी को जो भी आपका नेम है इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग कर लो, और इसे बस बोल दो इज इक्वल टू टाइम और एंड कर दो इसका, तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा और एनिमेशन इसका शुरू हो जाएगा। अगर मैं प्ले करके अभी चेक करूं बाहर क्लिक कर लेता हूं, एक अच्छा खासा आपको इफेक्ट देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। सिंपली हम लोग ने क्या किया है कि खाली पार्टिकल्स के साथ में कनेक्ट किया हुआ है, प्लस यहाँ पे और भी हम लोग प्रॉपर्टीज के साथ में प्ले कर सकते हैं उसके, तो थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कलर्स और ये सब शेडिंग्स, और दिस ऑल फाइन। थोड़ा सा इसमें भी अगर नॉइज इंट्रोड्यूस करना है, थोड़ा सा नॉइज इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, तो एडिशनल नॉइज देखने के लिए मिल जाएगा, थोड़ा सा डेसिपेशन दे सकते हैं 0.3 का, थोड़ा सा डिफ्यूजन 0.3 का, और यहाँ पे डेंसिटी को हम लोग अगर कम करना है तो यहाँ पे मैं 0.2 की डेंसिटी रख सकता हूँ, थोड़ा डेंसिटी हम लोग ने कम कर दिया है, थोड़ा सा सोबर हो जाएगा वो, डेंसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके चीजों के लिए, यहाँ पर मैंने बहुत कम रखा है डेंसिटी, और अगर ये डेंसिटी सपोज 0 है, पूरा हम लोग ने डेंसिटी खत्म कर दिया तो क्या होगा, सब कुछ एक्चुअली डेंसिटी के ऊपर ही डिपेंड है, सब खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है, तो डेंसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 0.1। तो मैं जैसे हल्का सा 0.1 की डेंसिटी भी रख सकता हूं ऐसे, और आपको बहुत ज्यादा डेंस दिखाना है एकदम हैवी, तो यहां पे मैं इसको है ना 10 का भी रख सकता हूँ, बहुत सारा डेंस डेटा आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा, एकदम हैवी ऐसे है, लिटरली लाइक यू कैन सी काफी डेंस डेटा देखने के लिए मिल जाएगा।
तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए मैं इसे कमी रखूंगा, मैं पे 0.2 रख रहा हूँ, और फ्लूइड ड्रॉप ऑफ मेरा 0.5 सही है, इज ऑल फाइन, और थोड़ा सा इसमें भी अगर टर्बुलेंस एड ऑन करना तो मैं पे 0.5 का टर्बुलेंस थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ। डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे मेरा जो बाउंड्री ड्रॉ है बॉटम है इसको मैं नन करता हूँ ताकि हम लोगों को ये बाउंड्री नहीं दिखाई दे, हम लोग अच्छे से काम कर सकें। बाकी सब सही है मेरा, एवरीथिंग इज फाइन। और लाइटिंग में सेल्फ शेडो ऑन है, टेक्सचरिंग ऑन है। शेडिंग के अंदर यहाँ पर आपका ट्रांसपेरेंसी मैप है, कितना आपको डेंस करना है, क्या करना है, यहाँ से आप लोग उसको रीएडजस्ट कर सकते हो। और कैपेसिटी में भी मेरा डेंसिटी है, तो अलग अलग मेथड्स आप लोग एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, यहाँ पे अलग अलग ये है, वाई डायरेक्शन में रखना है कैपेसिटी को, सेंटर से रखना है मुझे, तो ये सब एडजस्ट करके रख सकते हैं उस तरह से, ठीक है। बट यहाँ पे मैं बेसिकली डेंसिटी रखूंगा, डेंसिटी स्पीड, डिफॉल्ट जो मेरा डेंसिटी है वो सही है, यहाँ पे चेक कर लो कि कितना आपको कहाँ पे ये इसको रीएडजस्ट करना है इस तरह से, ओके। इसको भी यहाँ पे एंड करना है, इस तरह से एंड कर रहा हूँ, ये एंड कर दे रहा हूँ, ये जो पार्ट है इसको भी ऐसा खींच के अंदर ले लेता है सर, तो चेक करो कि कितना चाहिए क्या चाहिए। Let's play and check it out. Okay, और इसका हम लोग एक कैश फाइल रेडी कर लेंगे। तो कैश रेडी करने के लिए फ्लूइड्स का फ्लूइड्स को सिलेक्ट करोगे और इसके अंदर ऑप्शंस में चले जाओगे एम कैश में, और माया फ्लूइड्स करके ऑप्शंस है, इसको एक्टिवेट कर लोगे माया फ्लूइड्स को, और एज अ वन फाइल, और बाकी सब सही है, 29 के रेट में जा रहा है फ्लूइड शेप 1, और ये सब चाहिए जस्ट क्रिएट। कैशिंग हो चुका है, और कैशिंग के बाद में आपको इसमें और भी कुछ चेंजेस करना, यू कैन सी इन द रियल टाइम, ऐसा स्क्रब करके भी देख सकते हो
और कभी भी आपको जाके कुछ भी चेंजेस करना है आप लोग इजीली इसको चेंज कर सकते हो। तो क्विकली मैं इसका एक क्लियर ब्लास्ट रेडी करूंगा। दिस इज माय एग्जांपल नंबर 5। क्लियर ब्लास्ट। Okay, so let's enjoy this. Ultra man jaisa kuch lag raha hai. नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे बीच में और इसे हम लोग कर लेते हैं ऊपर यहाँ पे इसे ऐसे। और इसे मैं बोल रहा हूँ स्प्लाइन, इसे भी बोल रहा हूँ स्प्लाइन, इसे भी बोल रहे हैं स्प्लाइन और ये एक इस तरह से इसको डेंस कर दे रहा हूँ डेटा को। क्या चल रहा है और यहां पे जो मेरा शेडिंग है जो डेंसिटी है डेंसिटी को एंड पॉइंट पर मैं आके कलर चेंज कर रहा हूं डार्क ब्लू टोनिंग दे रहा हूं इस तरह से थोड़ा सा घोस्टली। डेंसिटी यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ पे खत्म कर दूं तो ये पूरा का पूरा कैसे बिहेव करेगा आपका ये यहाँ पे इस तरह से और यहाँ पे ये पूरा का पूरा इसका कंप्लीट कलर का टोनिंग इसका वो चेंज हो जाएगा।
यहाँ पे यू कैन प्ले विद द डेंसिटी. सरफेस को टाइमिंग के लिए हाइड कर रहा हूं मैं. और जस्ट सिंपली इसे हम लोग जैसे क्विकली प्ले ब्लास्ट करके चेक कर रहे हैं. यहाँ पे मेरा कंप्लीट डेटा उससे कवर हो जाएगा, बट यू कैन गोइंग टू गेट सम आइडिया कि कैसे वर्क करता है. और जो मैंने पहले ट्रायंगल शेप जनरेट किया था, इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे प्ले कर सकते हैं इसके साथ में. सी और यहां पे इस पर्टिकुलर जगह पे जो मेरा फ्लूइड्स है इसकी डेंसिटी के साथ में हम लोग ने प्ले किया, मैं यहां पे इसके पॉइंट कर रहा हूं देख सकते हैं. और यहां पे भी इसे हम लोग इस तरह से इसको सॉफ्ट रख सकते हैं. जो एंड पॉइंट है इसको भी इस तरह से आप लोग दबा सकते हो, तो सिंपल वो काफी अलग तरीके से वो रिएक्ट करेगा. देख रहे हो इस तरह से इसको ये कर सकते हो, लाइक डैम्स और ये तोड़ सकते हो. इसके साथ में प्ले भी कर सकते हो कि स्टार्टिंग में ये ऐसा है, फिर ग्रेजुअली वो ये ऐसा एंड हो गया. इसके साथ में प्ले कर सकते हो कि यहां तक ये कुछ ऐसा है सेट की, और ग्रेजुअली वो यहां तक आते आते ब्रेक कर चुका है उसने, इसको इस तरह से एंड हो चुका है, खत्म. ऑटो की ऑलरेडी ऑन है, एंड होते होते वो पूरा डिसअपीयर्ड हो जाएगा. और यहाँ पे जो इन बिटवीन जो पार्ट है, यहाँ पे यू कैन प्ले विद द शेडर ऑल्सो कि यहां तक ये कुछ ऐसा दिख रहा है, फिर एंड होते होते कुछ ऐसा हो जाएगा वो. उसके साथ में भी थोड़ा हम लोग इस तरह से प्ले कर लेते हैं.
सेट की और एंड होते होते वो यहाँ पे पूरा ब्लूइश होके सेट की। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज के साथ में हम लोग एक प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग में ये जो मेरा डेंस डेटा है उसको और ज्यादा डेंस कर सकते हो। 0.2 की जगह पे मैं यहाँ पे इसको 1 कर सकता हूँ और यहां तक फुल 1 और फिर यहां तक आते आते ये 0.1 हो जाना चाहिए सेट की। और लेट्स टेक अ प्ले ब्लास्ट एंड चेक इट आउट। क्वालिटी एनहांसमेंट के लिए आप लोग यहां से इसकी और क्वालिटी को चेक करना है, एनहांस करना है, तो यहां से उसको आप लोग चेक कर सकते हो, एनहांस कर सकते हो। तो यहां पे मैं इसको कुछ अराउंड 40 तक लेके चले जा रहा हूं एटलीस्ट डिस्प्ले पर्पस के लिए। और दिस इज फाइन डायनामिक सिमुलेशन 300 क्वालिटी सब स्टेप्स का मैं बढ़ा दूंगा 5 कर दे रहा हूं। और यहाँ पे ये जो कलर्स हैं कलर्स को भी आप लोग थोड़ा सा अपडेट और अपग्रेड कर सकते हो। और एक बार जस्ट क्विकली इसका हम लोग कैशिंग रेडी कर लेंगे, जस्ट उसी को जो है ओरिजिनल कैश उसी को हम लोग जस्ट रिप्लेस कर लेते हैं, तो जस्ट उसको ऐड और ब्लेंड कर देते हैं उसी के अंदर ही।